सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कुछ सिखाकर यह दौर भी निकल जाएगा, फिर एक बार और इंसान मुस्कुराएगा। मायूस न होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। कोई हालात को नहीं समझ तो कोई जज्बात को नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता। मेहनत मेरी रहमत तेरी का भाव रखने वाले ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। दवा के साथ दुआ और क्रिया के साथ कृपा हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। आज का पंचांग 26 अप्रैल 2021 दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:44 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र रात्रि 11:06 तक रहेगी। इसके उपरांत श्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:36 से 9:12 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर 32 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मेष राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 26 अप्रैल 2021 दिन सोमवार, चाहे आपके व आपके परिवार के विस्तार आपस में नहीं मिलते हों तो भी आज आप उनके सहयोग को सराहेंगे। आपको यह एहसास होगा कि चाहे आपके और आपके परिवार के नहीं मिलते तो भी उनसे ज्यादा आपको कोई और नहीं समझता। आप भी उन्हें दिखाएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। आजकल जो तनाव बढ़ता जा रहा है आपको उनका सही तरीके व समझ से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं घूमने जाएं या कोई अच्छी सी किताब भी पढ़ सकते हैं। आप अपने काम पर ध्यान दें और इस बात की ध्यान रखें कि आप अपने प्रयासों में किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। अपने प्रियजनों को बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। अपने घर की शांति बनाए रखने की भी कोशिश करें। धर्म कर्म के मामलों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी किसी विशेष उपलब्धि को हासिल करने में गर्व महसूस करेंगे। अपने भावी लक्ष्य के प्रति आपकी मेहनत जल्द ही कामयाब होगी। जो बातें आपके पक्ष में हो रही थी उन बातों के लिए सकारात्मकता न रखना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, जिसका अनुभव आज आपको होने वाला है। परिस्थिति अधिक गंभीर होने से पहले अपने द्वारा हुई गलतियां जानने और उसे सुधारने की कोशिश करें। सावधानियां, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खटास न आने दें। कोई अप्रिय समाचार मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भय और अवसाद की स्थिति रह सकती है। इसीलिए सकारात्मक गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज का दिन बहुत रोमांस भरा है। अपने पार्टनर के साथ मधुर व संवाद करें, वह भी वैसी ही प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। दूर तक आए अपने रिश्ते की तारीफ करें। आज आपको अपने प्रेमी से एक तोहफा मिलेगा जो आपको हैरानी में डालेगा। वह प्रेमी हाल ही में कोई सहायता के लिए आपका प्रशंसक रहा है, आप उनकी कृतज्ञता से हैरान होंगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए गर्मजोशी महसूस करेंगे। अगर आज आप कोशिश करें तो यह रिश्ता सफल हो सकता है, इनका आनंद लें। बात करते हैं करियर की। कार्य क्षेत्र में आज ज्यादा ध्यान नहीं दे सकेंगे, फिर भी जरूरत के समय धन की कमी हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भाग्यशाली दिन है। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत प्रयास करेंगे। अनुचित साधनों के प्रयोग से बचना चाहिए। सोशल वेलफेयर के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।
जिससे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा है। व्यापारिक काम में तेजी लाने के लिए नई चीजों का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं सेहत की। विषाणु जनित रोगों से सावधान रहें और स्वास्थ्य नियमों का पूरी तरह पालन करें। अगर आपको आंख से संबंधित कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं। फिर भी अगर आपको आंख से दिखने में कोई परेशानी है तो आज आप शरीर की जांच करवा सकते हैं। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।